स्वतंत्रता, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, एकता एकता स्वतंत्रता समानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। होले होले करना, पहले पहले नहीं तो दुखेगा, मजबूत बनाना है। अस्मा भाव तो नस्तल वस्त्र की भांति होने चाहिए हमारे शरीर। पहले ये आधी बैठक थी, फिर ये पूरी करवाई, पूर्ण बैठक, फिर ये राममूर्ति बैठक, फिर ये पहलवानी बैठक, छलांग लगा के फिर पांचवा, किया ना आपने। और ये हनुमान बैठक तीन, धीरे धीरे करना, आधा कर लेना सब, पूरा करने में दिक्कत है, ये आधा है, आधा तो सब कर ले। ये कंठ है करोड़ों नीचे एक राष्ट्र का, रंग है अनेक चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक भाव एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक अर्थ एक राष्ट्र का, चेतना समग्रता इतना समग्रता समानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, चेतना समग्रता समानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। आधा तो सब कर लेंगे, हनुमान जी बल के आदर्श है ना, मैंने कहा था ना, हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वजों भगवान राम जी जैसा, हनुमान जी जैसा, कृष्ण जी जैसा, शिव जी जैसा, गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, रानी लक्ष्मी बाई, चेन्नम्मा बाई, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती जैसा है ना, आधा आधा तो सब कर लेंगे। महाजनो ये गता सा पंथा, स्वस्ति पंथा मनुचरे महा ऋषणाम चरितम सत्य, क्या था और ये पूरा। जितना हो पाए उतना तो कर, और बैठ जा। आप बैठ करके आराम नहीं करना है, आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। एक काम करते करते थक जाओ तो दूसरे काम करने में लग जाओ। सबको बलवान बनाना है, मैंने कहा था जब आप दिल्ली लौटेंगे तो पूरी दिल्ली देखने आएगी। अरे क्या बात है भाई, ये तो जीवन ही पूरा समर गया रे, ये तो बड़े स्मार्ट बन करके आए। स्मार्टफोन तो आ गया लेकिन आदमी स्मार्ट नहीं बना रहे। योग से सब तरह की फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल स्मार्टनेस आएगी ना। सुनो, इसके 12 अभ्यास हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ दो दो बारी करना आप अभ्यास। विकास में विवेक, स्वप्न एक राष्ट्र का,
योजना अनेक, ध्यान एक राष्ट्र का। और दूसरा ध्यान जैसे ऊपर गए वैसे नीचे से आओ। विकास में विवेक, स्वप्न एक राष्ट्र का। योजना अनेक, ध्यान एक राष्ट्र का। कर्म है अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का। पंथ है अनेक, धर्म एक राष्ट्र का। सादगी सहिष्णुता, सादगी सहिष्णुता, समानता रहे देश में चरित्र की। हनुमान दंड चरण शरण में आई के धरो तिहारा ध्यान। संकट से रक्षा करो, संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। की भारत माता की जवानों के लिए ना। साधारण दंड, फिर राममूर्ति दंड, फिर वक्ष विकासक हनुमान, फिर ये वृश्चिक दंड के दो अभ्यास, फिर पार्श्व दंड होगी। अब दो दो बार तो करो। गुरुजी पसीने से तर बरतर है और शिष्य आराम फरमा रहे हैं। भैया हैं पसीने आ गए। चलो उठे, ये बाएं तरफ गया, फिर ये पार्श्व दंड। जाति है अनेक, रक्त एक राष्ट्र का। पंक्ति है अनेक, एक एक राष्ट्र का। कैसा देश बनाना, वो भजन में सुन भी रहे हैं और योग से स्वयं को अच्छा बना रहे हैं। जाति है अनेक, रक्त एक राष्ट्र का। पंक्ति है अनेक, लेख एक राष्ट्र का। गांव है अनेक, अंग एक राष्ट्र का। गांव है अनेक, अंग एक राष्ट्र का। किरण है अनेक, सूर्य एक राष्ट्र का। गांव है अनेक, अंग एक राष्ट्र का। किरण है अनेक, सूर्य एक राष्ट्र। जागरण मनुष्यता, हर जागरण मनुष्यता, जागरण मनुष्यता, समानता रहे देश में दरिद्र की। महानता रहे एकता स्वतंत्रता, एकता स्वतंत्रता, समानता रहे एकता स्वतंत्रता, समानता रहे। आपने भी ऐसा ही किया ना, मैंने देखा नहीं था। अभी दो बाकी है, अभी तो दस ही हुए। अब सरल वाले करवाएंगे, सरल, बहुत सरल है। ये शेर दंड थी,
मेरी मां शेरों वाली है, भारत मां तो वीरों की धरनी है ना, तो चलो ये करो। एक, दो, तीन, चार, ये तो कर लो। दो, तीन, चार, पूरा नीचे, पूरा ऊपर। कितना सरल है ना, लास्ट तीन बार करके वापस आ जाते हैं, फिर ये तो विश्व दंड सब कर सकते। तो नीचे गए इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, भारत मां शेरोवानी, भारत मां शेरोवानी है, भारत मां शेरोवानी है। अरे इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, भारत मां शेरोवानी, भारत मां शेरोवानी है, भारत मां शेरोवानी है। करना दो बार कर लेना, ज्यादा तो नहीं बता दिया। ये मसल्स भी तो अच्छे होने चाहिए, हार्डवेयर भी अच्छे होने चाहिए, सॉफ्टवेयर भी। सब अपने अपने चेक कर रहे हैं, कुछ टोले शोले बनेंगे ही हमारे। चलो खड़े हो जाओ, बोलो भारत माता की। अच्छा सुनो, अब आपको अभ्यास बताएंगे, अभी तो बच्चों वाले बता रहे थे, अब बड़ों वाले बताते हैं। जितनी उम्र बड़ी हुई उतना ही वजन बढ़ गया, पेट बढ़ गया, कुल्ले बढ़ गए, पूरा शरीर फैलने लग गया, आगे पीछे दाएं बाएं। तो इसके लिए 12 अभ्यास करेंगे ना, मोटापा के लिए 12 अभ्यास रोज करना, पहले थोड़ी दौड़ लगा ले तो पसीना आ जाएगा, बॉडी वार्म अप हो जाएगी, फिर वजन घटने लगेगा। 4 अभ्यास छोड़ो के, 3 अभ्यास बैठ के, 2 अभ्यास उल्टे लेट के, 3 अभ्यास सीधे लेट के, कितने हो गए? 12। शेर था एक दीवाना, सुनो इतिहास पुराना, शेर था एक दीवाना, सुनो इतिहास पुराना, खाक मेवाड़ की ढानी, कहीं उसको महाराणा, ना उसने शीश झुकाया, ना वो बंधन में आया, वीर धरती पर सोया, खाक पर खाना खाया। चाहे उम्र बिताली है, भारत मां शेरोवानी है, भारत मां शेरोवानी है। बगले अच्छे हो जाएंगे, मसंड बढ़ रही है साइड में, मसंड बढ़ जाने के लोग कहते रहे मसंडे हो रखा। सुनो, दूसरा जब अपने को मस्टंडा बोले, मसंडा वाला मोटा बोले, खराब लगता है, तो फिर सुबह सुबह मेहनत कर लो, रोज सब पतले हो जाएंगे, कोई मोटा नहीं रहेगा। एक मेहनत कर लो, कोई मोटी नहीं रहेगी। अमर था शेर दीवाना, काकोरी कांड कराना, मौत को भी हड़काना, राम प्रसाद सिंह कहा था, संध्या वह वन में, एक बासी
सबसे पहले धर्म और देश की खातिर सरफरोशी तमन्ना ले। अमर शहीदों की ज्योति को और निखारी है के आराम नहीं करना, आराम कर लो काम। ओहो, पूरा पेट एकदम जबरदस्त अच्छा हो जाए। किसी किसी की तो तौंद इतनी बढ़ी हुई है डाइनिंग टेबल की जरूरत ही नहीं। इंडिया गेट से भी लंबा चौड़ा पेट हो गया है। अभ्यास को ऐसे 5, 10, 20, 25 बार तक एक अभ्यास को 2-3 आवृत्ति कर सकते हैं इसकी। मैंने एक बार किया 10-10 बार, 20-20 बार फिर दोबारा कर लिया। करो ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार तो कर लो आज। शेर एक वेदों वाला विश्व में किया उजाला, भोग पाखंड मिटा वेदों का तोड़ा ताला। ऋषि ने जान गवाई, हमने विश्व दिया पिलाई, देश का दीप बुझाया, अंधेरा चहुं दिस छाई। ऋषि दयानंद जी को देखो शान निराली, धीरे धीरे बाद में फास्ट हो जाएगा। हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरे शरीर का व्यायाम होता है इनमें। दोनों हाथ साइड से उठा, पार्श्व भागों से बगल से हाथ उठाए, आगे से मस्ती में सिंह निराला, भगत पंजाब वाला। मस्ती में सिंह निराला, भगत पंजाब वाला। वचन का पक्का होकर मार सांस को डाला, शेर दिलवीर था वो, वचन का धीर था वो। ब्रिटिश की धड़कन बंद हो, भगत सिंह नाम जब लो। भुजंगासन के 2 अभ्यास, सर्वासन एक एक पैर से या दोनों से। तौंद बढ़ गई है ना, तो उसको ठीक करने के लिए थोड़ी जमीन पर दोनों हाथों की कोहनियां पार्श्व भागों से सटी हुई रिब्बे से टच करती है। दोनों पैर पीछे पास में, होले होले होले। पहले 2-3 बार, 5 बार, फिर धीरे धीरे 10-10 बार करने आ जाए, 20-20 बार। थक जाएंगे आज इतना ही बतेरा। दोनों हाथ छोड़ी के नीचे, हथेली नीचे की ओर, दोनों हाथ छोड़ी के नीचे, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। उठाइए सामने से, होले होले, पूरा उठा दीजिए। फिर इसको थोड़ा फास्ट कर देना, ये भुजंगासन और सर्वासन। ये सामने से जो पेट बढ़ा हुआ है ना, उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है।
किसी एक योग वाला सर्वाधिक योग वाला शेर भारत का निराला किसी एक योग वाला शेर भारत का निराला लोग का रोग मिटाकर किया जीवन उजाला देश की शान है वो रामदेव नाम है वो देश की शान है वो रामदेव नाम है वो जिनके सीने में भारत माँ का अरमान है वो ओ जिनके नाम से करते देश के भ्रष्टाचारी है रेट करके अब एक एक पैर को ऊपर उठाना नीचे लेके आना एक एक या दोनों पैरों को साथ उठाना फिर गोल घुमाएंगे फिर साइकिलिंग करेंगे अर्धहलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन मैंने आपको बार बार प्रेरणा दी सुबह उठ करके प्रेरणा लेना अपने महापुरुषों से हमारे इंस्पिरेशन है हमारे महापुरुष हमारे रोल मॉडल है आइकॉन है हमारे महापुरुष अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं से प्रेरणा लेना और उन्हीं जैसा ज्ञान जीवन चरित्र वाणी व्यवहार आचरण पुरुषार्थ जीवन में करना एक एक पैर को ऊपर उठाना दोनों पैरों से कर लेना आज ही आधा किलो कम हो जाएगा ये मोटा मोटी भाइयों बहुत जोरदार काम है ये रोज ऐसे 10-10, 20-20 बार कर लेना बार अभ्यास का एक राउंड किया फिर दूसरी बार कर लेना अस्मा भवत नस्तम हमारे शरीर वज्र की भांति होनी चाहिए वेद का आदेश देश बलम उपास्व बल की उपासना करो नया महात्मा बलहीने न लब्ध है बलहीन का धनहीन का ज्ञानहीन का चरित्रहीन का जीवन में कोई जीना नहीं है एक एक पैर को दोनों पैरों को ऐसे उठा सकते हैं उच्च रक्तचाप हृदय रोग हर्निया कमर में दर्द कमजोरी हो तो एक एक पैर से करना अथवा दोनों पैरों से कर सकते हैं ये अभ्यास कुछ बात बनी ये अर्धहलासन था पादवृत्तासन दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाइए थाई बटक सीप से बड़े भारी हो गए एक भाई आया उसका वजन 2.5 क्विंटल मेरे बराबर तो एक एक पैर था उसका उसका हमने 150 किलो वजन कम किया फिर भी 100 किलो तो बची गया गोल गोल घुमाइए बड़ा शून्य बनाइए हमने लोगों का 25-50 किलो से लेकर के 1.5 क्विंटल तक तो वजन कम किया है बड़ा शून्य बनाते हैं गोल गोल घुमाते हैं गर्म पानी पिलाते हैं अनाज बंद कर देते हैं खास करके वीट एंड राइस गेहूं और चावल बंद कर देते हैं बाकी मोटे अनाज साग सब्जियां फल गर्म पानी सुबह उठ करके गोमूत्र का सेवन कराते हैं गर्म पानी में गोमूत्र का अर्क अश्वगंधा के पत्ते खिलाते हैं एक दलिया हमने बनाया आरोग्य दलिया गेहूं बाजरा मूंग चावल 500 ग्राम तिल 50 ग्राम अजवाइन 20 ग्राम वो खाली दलिया ही खिलाते हैं लौकी का जूस पिलाते हैं क्या जबरदस्त रिजल्ट आता है दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाया बाएं पैर से ऐसे ही 5-5 बार तो कीजिए घुटना सीधा पंचातना हुआ पूरी गोलाई में ऐसे घुमाते हैं ये ऑबेसिटी का पैकेज बता रहे हैं किसका पैकेज बता रहे हैं आपको ऑबेसिटी का मोटापा का 5-5 बार तो कर लें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बड़ा शून्य बना लें ऊपर नीचे पूरी गोलाई में घुमा लें थाई बटक सीस पर ज्यादा वजन बढ़ जाता है ना मोटापा के लिए कुछ बच्चे भी मोटे हो जाते हैं बर्गर पिज्जा कोको कोला पेप्सी थम्स अप उल्टे पुल्टे ऐड देखते हैं हाउ खुश तूफाने करते हैं अरे तूफान थम्स अप में नहीं तेरे भीतर भरा हुआ है
तेरे भीतर तूफान है, तेरे भीतर ज्ञान है, तेरे भीतर भगवान है, तेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत संवेदनाएं, अनंत सामर्थ्य है। कहां कोका कोला पेप्सी थम्सअप के चक्कर में पड़ गया? ये भारत का खान पान नहीं। अरे दूध दही खाओ पियो, नींबू पानी पियो, नारियल पानी पियो, फलों का जूस पियो, और कुछ नहीं तो पानी ही पी लो। जहर मिला पानी क्यों पी रहे हो? हमने तो नाम दिया ना ठंडा, मतलब टॉयलेट क्लीनर। ओहो हो, बच्चों को हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, जो सरकारी स्कूल की सबसे गंदी टॉयलेट थी, दिल्ली वालों की नहीं बात कर रहा हूं, तो उसमें बच्चों को डाल के दिखाया, ये साइकिलिंग करो, किसको डाल के देखो। बोले बाबा जी ये तो चकाचक साफ हो गई। मैंने कहा ये तो भयंकर एसिडिक है, इससे तो हड्डियां हमारी कमजोर पड़ जाती हैं, कैंसर तक का रोग हो जाता है इससे। मोटापा तो बढ़ता ही है, शुगर तो बढ़ती है, और ज्यादा मात्रा में पी लो तो मौत हो जाती है। और किसी को एक्सपेरिमेंट करके देखना हो तो 2-3 लीटर एक साथ कोका कोला पेप्सी पी लो और ना मर जाओ, फिर किसको बताओगे? मरी जाओगे तुम तो। बहुत खतरनाक है ये। पानी को ज्यादा पी लेगा तो उल्टी हो सकती, इससे तो क्या हो जाती है, मौत तक हो जाती है। और ये कई बार अखबारों में, टीवी चैनलों पर आ चुका है, मैं कोई बिना हुई बात नहीं कह रहा हूं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों से मिला करके बच्चों को कोकोला पेप्सी थम्सअप बर्गर पिज्जा फास्ट फूड, इसके नुकसान बताना भैया। एक कण भी गलत आहार का हमारे भीतर नहीं जाना चाहिए। क्या बोला? एक कण भी गलत आहार का हमारे भीतर नहीं जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार नहीं करना चाहिए, इससे पूरी शरीर में ना एक वायरस फैल जाता है, एक पॉइजन फैल जाता है गलत विचार से। थॉट्स, रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शंस, यही तो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। एक क्षण भी गलत विचार नहीं करना, नहीं तो पता नहीं जीवन में कहां जाके गिर जाओगे। एक क्षण भी गलत विचार नहीं करना, एक कण भी गलत आहार का नहीं लेना। आपको मैं अभ्यास कराते कराते कुछ बात बता रहा था, ये साइकिलिंग हो गई। अब रिलैक्सेशन के लिए 2 पोज हैं, एक है मरकटासन और एक है सवासन। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। चलिए घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर, दाहिनी तरफ पैरों को झुकाएंगे, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में। मरकटासन का 1 अभ्यास, 3 अभ्यास है ना मरकटासन के, सब देख लें ठीक से फिर करें। आहार और विचार की पवित्रता, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धि सर्वग्रंथानां विप्रमोक्ष। देखो पहला अभ्यास तो घुटनों पंजों में फासला, दोनों घुटनों में पंजों में पहले पास में थे अब फासला कर लो। दूसरा अभ्यास मरकटा, मैं कह रहा था हमारी चित्त की 5 तरह की वृत्तियां प्रारंभ में मैंने संकेत किया था, क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। एक तरफ पैर तो एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर आ जाता है, ये मरकटासन का दूसरा अभ्यास है। और तीसरा अभ्यास है दाहिने पैर उठाते हैं बाईं तरफ ले जाते हैं ऐसे, फिर बायां उठाते दाहिनी तरफ ले आते, आराम आराम से कर लेना। जितना बन पाए उतना कर लेना, ये मरकटासन रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा। Thank you.
ऐसे आराम आराम से कर लो जितना बन पाए, फिर परफेक्शन के साथ करते हैं तो पूरा पैर ऊपर उठाते हैं, अपोजिट साइड में लेकर के जाते हैं।